नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर है उसमें देश और दुनिया भर के लोग चपेट में आ गए हैं। ख़ास तौर से भारत और भारत के राज्यों में महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो काफ़ी डराने वाले हैं, हैरान कर देने वाले हैं, डराने वाले हैं और लोग परेशान हैं। हालत किस तरह से है आप न्यूज़ में देख रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, नवभारत टाइम्स में आपको खबरें पढ़ने को मिल रही होंगी कि कहीं पर बेड नहीं है, कहीं पर इंजेक्शंस की कमी है तो कहीं पर कुछ और। बॉलीवुड भी इस दूसरी लहर में बुरी तरह से चपेट में आ गया है। हर दिन कुछ नए सेलिब्रिटीज़ का नाम सामने आता है जो कोरोना वायरस की पॉजिटिव निकल रहे हैं। पिछले दिनों एक्टर आशुतोष राणा कोरोना पॉजिटिव निकले थे। अब खबर आ रही है कि उनकी पत्नी रेणुका शहाणे और उनके दोनों बेटे शौर्यमान और सत्येंद्र भी इस वायरस की चपेट में आ गए हैं। शनिवार शाम को ही रेणुका, शौर्यमान और सत्येंद्र के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट आई थी। इसके बाद सभी लोगों ने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया है और पूरी तरह से सावधानी बरत रहे हैं। इससे पहले आशुतोष राणा ने भी खुद को क्वारंटाइन कर लिया था। जैसा कि आप जानते हैं, आशुतोष और रेणुका कुछ दिनों पहले कोरोना वैक्सीन का जो पहला डोज आया था वो लगवा चुके हैं। उन्होंने अपने संपर्क में आए लोगों से भी कोरोना टेस्ट कराने की गुजारिश की है। आज ही एक और खबर आ रही है कि अभिनेता राजेश खट्टर यानी ईशान खट्टर के पिता शाहिद कपूर के स्टेप फादर भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। और कोरोना के संक्रमण के चपेट में आने के बाद राजेश खट्टर को गाज़ियाबाद के कौशाम्बी स्थित अस्पताल में दाखिल कराया गया है। हम आपको ये भी बता दें कि शनिवार का जो दिन था वो बॉलीवुड सेलिब्स के लिए काफ़ी मुश्किलों से भरा रहा। अर्जुन रामपाल, नील नितिन मुकेश, सोनू सूद, मनीष मल्होत्रा, सुमित व्यास सब कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उनकी रिपोर्ट सामने आई, सबने सोशल मीडिया में शेयर भी किया, बताया भी और लोगों से गुजारिश भी की जो लोग उनके संपर्क में आए हैं वो अपना टेस्ट करवा लें, क्वारंटाइन कर लें खुद को। इससे पहले पिछले हफ्ते में और बड़े बड़े नाम थे, अक्षय कुमार, उनकी फिल्म राम सेतु के लगभग 45 से ज़्यादा और जूनियर आर्टिस्ट गोविंदा, कटरीना कैफ, आमिर खान, बप्पी लहरी, आलिया भट्ट, फातिमा सना शेख, कार्तिक आर्यन, परेश रावल, रणबीर कपूर, आदित्य नारायण, एजाज खान, टीवी इंडस्ट्री से भी कुछ लोग थे, मिलिंद सोमन, सतीश कौशिक, संजय लीला भंसाली और टीवी से जो नाम सामने आए थे उसमें शुभांगी आत्रे, रूपाली गांगुली, कनिका मान और कांची सिंह जैसी सेलिब्रिटीज़ भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। इसके अलावा भी तमाम सितारे हैं जो अपने आप को आइसोलेट किया और ठीक भी हो गए हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के और भी तमाम वीडियो। इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा और हम किस तरह के वीडियो बनाएं वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे शेयर भी करें। नमस्कार।